हाय गाइस, मैं ईशा दिल्ली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज जो मेरी वीडियो है वो लोहागढ़ फार्म की है। फर्स्ट पार्ट मैं दिखा चुकी हूँ और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था कि ये भूत बंगला है जिसमें मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चों ने तो मना कर दिया है जाने के लिए, और ये कुछ और भी बच्चे हैं जो मना कर रहे हैं जाने के लिए। तो मैं तो स्कूल में जाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आके कि अंदर क्या था, मुझे डर लगा या नहीं। अंदर काफ़ी अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मैं बाहर आ गई हूँ। अंदर काफ़ी डरावने सीन थे। बच्चे जाते तो शायद डर ही जाते। किसी की गर्दन नहीं थी, किसी के हाथ नहीं थे, और मम्मी वहाँ पड़ी हुई थी, और मतलब काफ़ी डरावनी थी। बच्चे नहीं गए तो अच्छा ही है। कुछ लड़कों को डरावनी मास्क वगैरह पहन के बिठाया हुआ था। अंधेरे में वो कहीं कहीं से निकल के आते थे, काफ़ी डरावना था। और यहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचर हैं जो लोग कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, देखिए आप। और यहाँ पे कुछ डक हैं और आगे भी कुछ एनिमल्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे कुछ गोट हैं जो खाना खा रही हैं, और आगे पिजन वगैरह हैं, और कुछ रैबिट भी हैं जिसकी थोड़ी सी ही वीडियो ली है मैंने। ये हैन है। ये यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, आर्चरी, बास्केटबॉल और डार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोग खेल रहे हैं। और भी काफ़ी गेम हैं आगे, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बिल्कुल गांव का माहौल, एक हट बनाई हुई है। और इस यहाँ पे सामने मसाज वाला है, ये मसाज करता है। ये यहाँ पे ऊँट की सवारी है और बैल की सवारी भी है, सामने आपको दिख रही होगी। इस पे ये बिठा के एक चक्कर लगवाते हैं। और पीछे की साइड छोटी सी नर्सरी भी है जहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं। और ये हम आ गए हैं प्लेग्राउंड में। काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे गेम्स हैं।
ये यहाँ पर जिप लाइन भी है, लोग जा रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे गेम हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। हमने भी 1 घंटे तक बैडमिंटन खेला। मुझे तो बैडमिंटन बहुत पसंद है, और हम खेल के फिर बहुत थक गए थे और लंच के लिए आगे हम निकल गए। और रास्ते में ये जादूगर जादू दिखा रहा था अपना, उसे देखने के लिए हम रुक गए। आप भी देखिए और एंजॉय करिए। यहाँ पे अब हम लंच कर रहे हैं। लंच में 3-4 सब्जियाँ थी, रायता, पूरी, चावल वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ था। लंच करके अब हम आगे फिर एंजॉय के लिए निकल गए। और ये देखिए, यहाँ पे ये खाट होती है, खाट या मंजी क्या बोलते हैं इसको, ये इन्होंने सारे में लगाई हुई है। आप यहाँ पे पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं, आप लेट सकते हैं, सो सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ। और यहाँ पे लूडो, कैरम और चेस वगैरह सब कुछ है यहाँ। और ये छोटे बच्चों के लिए भी एंजॉय का पूरा ही इंतज़ाम है। और ये यहाँ पे पपिट शो हो रहा है, आप देखिए और एंजॉय करिए। अगर आप फुल डे पिकनिक के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हमें घर से कुछ भी सामान नहीं लाना पड़ता। यहाँ पानी, चाय, नाश्ता, पूरे दिन का इंतजाम है, कोई रोक टोक नहीं है। ये यहाँ पे कुछ लोग मसाज करवा रहे हैं। और ये मक्का की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की रोटी और बाजरे की खिचड़ी वगैरह यहाँ पे मिलेगी। काफ़ी लोग आराम भी कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं। और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, ये चक्की है और वो लस्सी बिलोने का था। और यहाँ पे कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं जिन्हें पहन के आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं अपनी। और ये कुआं दिखाया हुआ है।
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और ये यहाँ पे मेहंदी का इंतजाम भी है, आप मेहंदी भी लगवा सकते हैं। वो ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं ये टिकट में भी, टिकट में ही इंक्लूड है। और ये पॉटरी है और यहाँ पे डीजे लगाया हुआ है, आप यहाँ पे डांस कर सकते हैं। और देखें, और काफ़ी लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कैमल राइड हो रही है। ये यहाँ पे पॉट बनाना सिखा रहे हैं और जो बनाया है आपने वो आप घर ले जा सकते हैं। ये छोटा सा घड़ा बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर ये कुछ पुरानी चीज़ों को दिखाया हुआ है। और यहाँ पे हमारी ये पिकनिक ख़त्म होती है और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। बस यहाँ पे एक ही चीज़ नहीं थी, वो है शॉपिंग। शॉपिंग आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोई शॉप ही नहीं है। तो जेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। आमतौर पे जेंट्स शॉपिंग से बहुत चिढ़ते हैं और जो लेडीज़ है उनके लिए बहुत मायूसी है। ख़ास तौर से मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाई मैं। तो चलो, वैसे हमने काफ़ी बहुत अच्छा इन्जॉय किया। आप भी अगर यहाँ अपना पूरा दिन बिताना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। पूरे दिन यहाँ रहिए, आराम करिए। और हम घर वापस जा रहे हैं तो रास्ते का थोड़ा सीन है ये। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।